मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर धीरे धीरे गुंडे बदमाशों का गढ़ बनती जा रही है। आए दिन बेखौफ बदमाश किसी न किसी लूट, चोरी या विवाद जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार को नो पार्किंग में वाहन खड़े करने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने एक युवक पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। मामला मदन महल थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर का है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब नो पार्किंग में वाहन खड़े करने को लेकर स्टैंड कर्मचारी और कैलाश चक्रवर्ती का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं स्टैंड संचालक ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो मदन महल स्टेशन के बाहर स्थित लगने वाले स्टैंड का कर्मचारी है, जिस पर गोरखपुर निवासी कैलाश चक्रवर्ती ने अपने गुंडों के साथ तलवार और लाठी से हमला किया है। सर, मदन महल एक नंबर पार्किंग में गाड़ी को लेके, टू व्हीलर पार्किंग में लगाने को लेके विवाद हुआ था। वो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर रहे थे, मैंने बोला गाड़ी पार्किंग में करिए, तो बोलता तू मेरे को जानता नहीं, मैं कैलाश चक्रवर्ती हूँ गोरखपुर का, तो मैंने बोला आप जो भी हो ये गाड़ी पार्किंग में लगा लीजिए, तो बोलता तू मेरे को जानता नहीं, जेब लोग मैं तेरे को ही बताता हूँ। तो उनने फिर अपने राहुल चक्रवर्ती अपने भतीजे को फ़ोन करके बुलाया, और उनके साथ 10 से 12 लड़के रहे, जिनके हाथ में दो से तीन लड़कों के हाथ में तलवार थी और लठ रखे रहे उन लोग। तो उन लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश की, तो मैंने दोनों हाथ से अपना बचाव किया, मेरे जो हाथ में चोटें आई हैं, यहाँ चोट आई, मैं गिर गया उनसे, इन लोगों ने मेरे को मारे हैं, मेरे को एक घाव भी है पूरे तलवार के, और फिर मैं दौड़ रहा था तो मेरे को यहाँ चोट भी आ गई सर के, ये मूठ के नीचे। पर मैं जो चाहता हूँ कि मेरे को कुछ सर न्याय मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहता। वहीं इस घटनाक्रम के बारे में मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओनर है अमित खंपरिया जी, उनको भी मैंने निवेदन किया कि आप थोड़ा सा जिसको आप रख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका एक इंटरव्यू ले लें, कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका उसका ठीक होना चाहिए। अभी आज की स्थिति में जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया, किसी को भी बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जरा सी आपकी हर बात आप ये मान के चलिए कि आप 100% आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ज्ञात अज्ञात कहीं भी। हमारे थाने के अंदर भी CCTV लगे हुए हैं, और कई बार तो हम इसके माध्यम से बचे भी हैं। कई बार हमारी शिकायत कर दी गई कि अभी अमित कुमार सर थे तो मेरी शिकायत दे दी गई कि मैंने अभद्रता की, तो उन्होंने सीधे CCTV कॉल कर लिया। जब CCTV कॉल किया तो देखा तो मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई। तो अब हर जगह हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, और चूंकि पीड़ित पक्ष को ऐसा लगा नहीं था कि ये लोग भारी पड़ जाएंगे, मारा पीड़ित दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ को चोट आई है और दोनों तरफ से FIR की गई है।